नंबर बचाने हैं, नंबर है आपकी देवसेना, ठीक, हमला करने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर, और आपको बनना है बाहुबली। तो जैसा कि इस बार 2023 में आपका जो साइंस का पेपर है उसका मॉडल बिल्कुल चेंज हो चुका है, और ये मॉडल इन लोगों में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जैसा कि इस बार 2023 में आपका जो साइंस का पेपर है उसका मॉडल बिल्कुल चेंज हो चुका है, और ये मॉडल पहली बार आ रहा है, तो पता भी नहीं है बच्चों को कैसे क्या आएगा। बच्चे बड़ा कंफ्यूज हैं कि जो मॉडल पेपर है वो कैसा होगा साइंस का, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जो उन्होंने एक साइड बुक खरीदी है क्वेश्चन बैंक तैयार करने के लिए, तो उसमें भी कुछ ऐसी क्वेश्चन बैंक है जिसमें पीछे साइड में जो मॉडल पेपर दिया गया है वो और जो आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर उनके मॉडल वो चेंज है, मैच नहीं कर रहे, सेम नहीं है, तो उसमें भी डिफरेंस आ गया है। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज है कि मॉडल पेपर कुछ और दे रहे हैं बुक में, आ रहा है कुछ और। तो यहाँ पे मैं आपके कंफ्यूजन को कर देता हूँ दूर। यहाँ पे देखिए, मैंने पूरा एक सेटअप बना दिया है कि कैसे क्या कितने सेक्शन में डिवाइड होकर पूरा मॉडल पेपर आपका दिया गया है इस बार का 2023 का साइंस। देखते हैं इसमें कैसे क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो मॉडल पेपर आपका साइंस 10th क्लास का है 2023 का, इसको अब किस बांट दिया गया है दो भागों में, ठीक है। पहला तो आपका हो गया सेक्शन फर्स्ट, और जो ये सेक्शन फर्स्ट है ये आपका है एमसीक्यू बेस्ड, यानी सेक्शन फर्स्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू मिलेंगे, और जो आपका सेक्शन टू है ये आपका है डिस्क्रिप्टिव। मतलब यहां पे आपके वो क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपको डिस्क्राइब करने हैं, लिखना है, थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, प्रूफ है, डायग्राम वगैरह वगैरह, और यहां पे है केवल आपके एमसीक्यूज जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, चार ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन पे जो है टिक करना होगा। तो सबसे पहले सेक्शन वन की बात कर लेते हैं। देखिए, सेक्शन वन जो है इसको फिर से सब सेक्शन ए, सब सेक्शन बी, सब सेक्शन सी में डिवाइड कर दिया गया। सब सेक्शन ए में जो है वो हमारा है फिजिक्स, सब सेक्शन बी में जो है वो हमारा है केमिस्ट्री, सब सेक्शन सी में जो है वो है हमारा बायोलॉजी। अब ये जो है पूरा का पूरा जो इधर का पोर्शन है ये सब टोटल मिलकर के क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर 20 तक आएंगे, और टोटल मार्क्स कितने होंगे इसके 20 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर एक से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक का एमसीक्यूज होंगे, जिसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के तीनों के मिक्सचर न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर आता है आपका सेक्शन सेकेंड। सेक्शन सेकेंड जो डिस्क्रिप्टिव है जिसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह आपको करना है, उसमें भी सब सेक्शन ए जो है वो आपका फिजिक्स का है, सब सेक्शन बी जो है वो केमिस्ट्री का है, और सब सेक्शन सी जो है वो किसका है, बायोलॉजी का है। अब इसमें भी देख लीजिए, जो आपका सब सेक्शन ए है वो किसका है, फिजिक्स का, और फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर इतने आने हैं। केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, तीन क्वेश्चन इसमें आएंगे। बायोलॉजी की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर टेन, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन। ये इतने क्वेश्चन का प्रोफार्मा है पूरा। तो फिजिक्स में आपके जो क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर है, इसमें क्वेश्चन नंबर वन फोर मार्क्स का होगा, टू फोर मार्क्स का होगा, थ्री फोर मार्क्स का होगा, और फोर्थ वाला जो है ये लॉन्ग है और सिक्स मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा या तो पहला वाला करिए या दूसरा वाला करिए, जबकि इन लोगों में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो केमिस्ट्री का है इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर फाइव जो है, क्वेश्चन नंबर फाइव फोर मार्क्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स फोर मार्क्स, क्वेश्चन नंबर सेवन सिक्स मार्क्स, और ये भी आपको ऑप्शनल मिलेगा, चाहे पहला कर लीजिए चाहे दूसरा वाला कर लीजिए, जैसे इसमें पहला और दूसरा का ऑप्शन दिया गया था वैसे उसमें भी है। बायोलॉजी में क्वेश्चन नंबर एट से लेकर क्वेश्चन नंबर इलेवन तक चार क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से तीन होंगे आपके शॉर्ट के, फोर फोर मार्क्स के, बिल्कुल इसी की तरह फिजिक्स की तरह पे। और जो क्वेश्चन नंबर इलेवन आएगा ये सिक्स मार्क्स का होगा, ये भी ऑप्शनल होगा, चाहे फर्स्ट करिए चाहे सेकेंड करिए, इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ओके। तो मॉडल पेपर कैसा है ये तो आपका पूरा क्लियर हो गया, और ये वाला जो पूरा पोर्शन आपका है ये सारा पोर्शन मिल करके आपको नंबर देगा कितने, 50, ठीक है। तो इधर के 50, इधर के 20, 50 और 20 टोटल पेपर आपको जो आने जा रहा है वो कितने मार्क्स का है, 70 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 70 मार्क्स।
ठीक भाई, समझ में आ गया। अब एक चीज और यहां पे एक चीज देख लीजिएगा कि जो आपका फिजिक्स का पोर्शन है, फिजिक्स का पोर्शन जो है फिजिक्स, वो आपका 12 प्लस 13, 12 प्लस 13 दो टुकड़ों में आ रहा है, यानी टोटल मिलाकर के 25 नंबर का। समझ रहे हैं, जो 12 नंबर का पोर्शन है फिजिक्स में, वो आपका शुरुआती लेसन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो आपका ह्यूमन आई है, इन सब लेसन से आ रहे हैं, ठीक है। और जो आपका 13 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी से, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले लेसन है लास्ट के दो, उनमें से। तो टोटल मिला के 12 प्लस 13 25 नंबर, फिजिक्स आपकी 25 नंबर की आएगी। जो आपकी केमिस्ट्री है, जो आपकी केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री देख लीजिएगा, केमिस्ट्री आएगी आपकी 20 नंबर की। बायो, बायोलॉजी, ये भी आपकी आएगी 20 नंबर की। अब देखिए 20 प्लस 20 40 हो गए, और 25 65 हो गए, 5 नंबर कहाँ गए, 70 का पेपर है, 5 नंबर कहाँ। तो आपको देखो बुक में लास्ट पोर्शन कुछ थोड़ा एनवायरनमेंट टाइप का वो मिलेगा, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, इसमें से आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 65 और प्लस 5 टोटल मिला के आपके बन गए 70, ये आपका 70 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि 20 मार्क्स की केमिस्ट्री, 20 मार्क्स की बायोलॉजी, 5 नंबर का एनवायरमेंटल पोर्शन जो लास्ट का है नेचुरल रिसोर्स वाला, और सबसे ज्यादा नंबर की फिजिक्स है। तो आप अगर आपको 10th के इस बार के पेपर में अच्छे से अच्छे जबरदस्त नंबर लाने हैं, तो फिर आपको रिवीजन करने के लिए जो 2 दिन का गैप बच रहा है, आज का और कल का, सोमवार को तो आपको जंग लड़ने जाना है, तो जो ये 2 दिन का समय है इसमें सबसे ज्यादा आपको नंबर फिजिक्स से मिलेंगे। तो रिवीजन स्टार्ट कहां से करेंगे, फिजिक्स से। सबसे पहले फिजिक्स का पोर्शन जो है उसको पढ़ना शुरू करना, इसकी प्रैक्टिस कर ली तो लाइफ सेट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जय हिंद।